जब आप टाइम आपका ओवर हो गया, अब आप अपनी स्कूल से जा रहे हैं अपने घर की तरफ, तो यहाँ एक मुतमईन वाला सिलसिला होना चाहिए कि हाँ, टुडे आई डिड माई बेस्ट, बस मैंने अपना काम किया, आई डिड माई बेस्ट, द रेस्ट आई डोंट नो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एज टीचर्स, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सो नो योर सेल्फ, आज से लिखना शुरू करें, शाम को घर जाएं, मे बी इट मे टेक कपल ऑफ डेज, एक साथ रोज ना बैठें, जो चीज अपने बारे में समझ में आए डायरी में लिख लें। कोई ऐसा ओकेशन आएगा व्हेन यू रिएक्ट टू अ सर्टेन स्टिमुलस, स्टिमुलस आता है ना, रिएक्ट करते हैं। हमारे एक स्टूडेंट है, उनको मैं बता रहा था, मैंने कहा प्रॉब्लम यह है कि आपका रिस्पॉन्स गलत होता है। स्टिमुलस सबको आता है, मुझे भी लोग गाली दे सकते हैं, मुझे भी बुरा भला कह सकते हैं, है ना, हो सकता है ना, इनको भी कह सकते हैं, पॉसिबल है। अब्बास साहब का रिस्पॉन्स बिल्कुल डिफरेंट हो एक नेगेटिव स्टिमुलस से। स्टिमुलस बैरूनी दुनिया से आता है और हर लम्हे लाखों करोड़ों स्टिमुलस हमें आते हैं। स्टिमुलस आवाज की शक्ल में हो सकता है, कोई कहे कुछ या कोई आवाज आए, स्टिमुलस कोई नजारा हो सकता है, किसी की शक्ल देखते हैं और वो स्टिमुलस आपका ब्रेन लेता है। कुछ ऐसे लोग हैं ना कि जिनकी शक्ल देखकर कुछ होता है, कुछ कुछ होता है। वो कोई शेर है ना कि वो जिनको देखकर दिल में खुदा की याद आए, वो जिनको देखकर दिल में खुदा की याद आए, हम उन बुतों का बड़ा एहतराम करते हैं। तो जब कोई चीज आप देखते हैं, आपका ब्रेन स्टार्ट्स प्रोसेसिंग दैट इंफॉर्मेशन। इट कैन नॉट नॉट प्रोसेस, नो वे, इट हैज टू प्रोसेस। कोई बू आई बड़ी स्ट्रॉन्ग सी, मुझे नहीं पता एक बजने वाला है और यकीनन इस वक्त आपको खाने की बू, एक बजे ही आप खाना खिलाएंगे, डेढ़ बजे खिलाएंगे इनको, अच्छा जो जितने बजे, वैसे फैसल से तो लगता है कि आज खाना नहीं है शायद ना, फास्टिंग है। बड़ा स्ट्रेंज और नॉटी किस्म का लुक दे रहा है फैसल, एनीवे तो इस वक्त बड़ा खतरनाक मरहला होता है जो स्पीकर 12 से 1 बजे लेक्चर दे रहा हो, उसके लिए बड़ा मुश्किल है लोगों को, बिकॉज लोगों को भूख लग रही होती है। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग किस्म की खुशबू आए, गरम ताजे नान की आए, बिरयानी की आए, निहारी की आए, तो क्या होगा, आपका ब्रेन प्रोसेस करेगा इंफॉर्मेशन। इसी तरह कोई चीज आप छूते हैं, टच करते हैं, मैंने कहा टच नहीं कर सकते मगर हम यूज करते हैं वर्ड जस्ट टू मेक ईच अदर अंडरस्टैंड, टच करते हैं किसी चीज को, तो हमारा ब्रेन प्रोसेस करता है। और जबान में कोई जायका हो, किसी के मुंह में च्युइंगम हो और कुछ ना भी हो तो भी जायका चेंज होता है, आपको पता है, महावरतन भी जायका चेंज होता है, मगर एक्चुअली भी जायका चेंज होता है। कुछ पीपल यू मीट समबडी एंड यू हैव अ बैड टेस्ट इन योर माउथ, कहते हैं ना, बट एक्चुअली देयर इज अ बैड टेस्ट इन योर माउथ। तो ये जो बैरूनी दुनिया से स्टिमुलस आता है, हम सबको आता है, हम सबको आता है, हम रुक नहीं सकते, हम बंद नहीं कर सकते अपने आप को, द स्टिमुलस कम्स। अब जब आप डिसाइड करते हैं व्हाट यू चूज योर सेल्फ टू बी, दैट्स वेयर यू डिसाइड हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड टू क्रिटिसिज्म, टू बैक बाइटिंग, टू एंगर, टू इंसल्ट, टू पीपल टेकिंग अनड्यू एडवांटेजेस ऑफ मी, किस तरह मैं रिस्पॉन्ड करूंगा। दैट रिस्पॉन्स इज इन योर कंट्रोल, नथिंग एल्स, वो रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में है। सो व्हेन यू चूज योर सेल्फ, यू मेक श्योर यू चूज योर सेल्फ एज अ पर्सन हु नोज हाउ टू रिस्पॉन्ड इन अ मच बेटर वे। और इंसानी रिश्तों में एक लूप होता है कम्युनिकेशन में, अ स्टिमुलस कॉजेज अ रिस्पॉन्स, अ रिस्पॉन्स बिकम्स अ स्टिमुलस फॉर द फर्स्ट पर्सन, देन द फर्स्ट पर्सन टेक्स दैट स्टिमुलस एज अ रिस्पॉन्स, his response becomes a stimulus for the second person, so there is a loop goes on continuously, aur us loop mein hum sab phase hue hain। aapke husband ko pata hai ki in a given situation this is how you going to respond, sabko pata hai ek dusre ke rishton ke andar ke isko ye baat achhi lagti hai, isko ye baat buri lagti hai, ye cheez usko khush karti hai, ye cheez usko na khush karti hai, ये देने से वो शख्स ये काम कर देगा, ये देने से काम नहीं करेगा। इस लूप में से जब तक नहीं निकलेंगे रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे नहीं जाएगी। और आप एज अ ह्यूमन बीइंग, अगर आप ह्यूमन बीइंग है तो आपने कहा है मुझे नहीं पता,
you will not be able to develop until unless you change your response. And changing your response is extremely important as a teacher. A lot of times you may not agree with the policies of the administration of this organization that you're working with, right? So your response is not good. I'm just using the word good. I'm not using any other word. Maybe you feel left out. Maybe you feel unheard. Maybe you felt, ki zulm hua mere saath. No. Change your response. Because your response changes the other person. Main ek misal dun. Main ghar mein late aaya. Aur mujhe pata hai, wise, by the way, ghar mein koi late aaya. Mard to nahi hai na, yahan pe bahut kam hai. Kitne mard hai, haath uthaye? Yahan te do hai. अच्छा ठीक है ठीक है. कभी लेट घर पे जाओ तो एक टोटका बताता हूं. चाहते हो कि बेगम डजंट फाइट, सिंपल. तीन चार कंकरियां, छोटी सी, पत्थर नहीं, कंकरियां छोटी सी, जेब में रख लें. दरवाजे पे पहुंचे, बेल बजाने से पहले एक कंकरी पीछे फेंके, एक लेफ्ट पे और एक इस तरफ राइट पे. दरवाजे की बेल बजाए, आपकी बेगम आपको कुछ नहीं बोलेगी, है ना? It's amazing how it works. इसलिए कि आपका जो खौफ होता है, जो भी आपके जहन में सोच होती है कि अब पता नहीं क्या बोलेगी, मैं क्या जवाब दूंगा, वो जो स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी और एंग्जाइटी होती है वो आपके ऑरा के अंदर शामिल होती है. द मोमेंट यू थ्रो द स्टोन द ऑरा गेट्स डिस्टर्ब. सो द योर वाइफ एक्चुअली सेंसेस योर ऑरा. शी डजंट डू इट कॉन्शियसली, इट्स वेरी अनकॉन्शियस. शी सेंसेस योर ऑरा कि समथिंग इज रॉन्ग. She feels that you're hiding something. Kisi khas wajah se late aate hain. You disturb your aura, your wife will not sense anything. Nahi, nahi, har kisam ke nahi. Sirf jab aap late ghar pe jaayein, usko aur koi nahi. Late aurte ke. अच्छा क्या चीज? हाँ आप भी ये कर सकते हैं, आप भी ये कर सकते हैं, कर सकते हैं, मगर देखें कोई गलत काम करके नहीं जा रहे. आप लेट जा रहे हैं बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स. मगर अगर एक शख्स अपनी गर्लफ्रेंड से मिलकर अपनी वाइफ के पास जा रहा है तो वो अंदर जो जमीर मलामत करता है वो सेंस हो जाता है. एनीवे, तो लेट्स सम अप व्हाट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट. अपने आप को जानना. I don't know, ये हदीस है, हजरत अली का एक कॉल है, जिसने अपने आप को जाना उसने अपने रब को पहचाना. ठीक है ना? तो अब ये जो अपने आप को जानने का अमल है, ये खैर बहुत लंबा अमल है, उसमें बड़े मराहिल आते हैं. प्रोफेसर अब्बास साहब से अगर टाइम हो उनके पास तो उनसे ज़रूर पूछिएगा, वो इस पर बहुत खूबसूरत बात कर सकते हैं. ये अपने आप को जानने का अमल, ये मन की दुनिया अंदर जाना, सर्च करना अपने आप को, ये क्या होता है, कितने मराहिल होते हैं, क्या क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं. तो पहले अपने आप को जाने. देखिए, एक सिपाही मैदान जंग में जाता है और उसे यही नहीं पता कि मैं तलवारबाजी ज्यादा अच्छी कर सकता हूँ, नेजा ज्यादा अच्छा चला सकता हूँ, तीर कमान अच्छा चला, उसे पता ही नहीं, तो वो क्या जंग करेगा? आप जब पैदा हुए, आपके माँ बाप ने आपका नाम रख दिया, कान में अजान दे दी, जरा बड़े हुए आपको इंट्रोड्यूस करा दिया मजहब से, अगर लड़के थे तो मस्जिद में फादर ले गए जुम्मे की नमाज पढ़ाने, लड़कियां थी तो घर में माँ ने नमाज पढ़ाना सिखाई. बस सारी जिंदगी कंडीशन होते गए, कंडीशन होते गए, कंडीशन होते गए. जब शऊर की मंजिल पर पहुंचते हैं, जहां अकल आपकी इतनी डेवलप होती है कि अच्छे बुरे के अंदर तमीज़ कर सके, सही गलत को समझ सके, वो वक्त, वो मरहला होता है जब इंसान को गौर व फिक्र करना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, रिफ्लेक्शन का प्रोसेस होना चाहिए, कुछ देर बैठना चाहिए, अपने बारे में सोचना चाहिए, अपनी खामियां, अपनी गलतियां, अपनी कोताहियां, अपनी कमजोरियां, ये तमाम. मगर किसी ने सोचा है? ज़रा बड़े हुए उसके बाद ठग से पता चला, स्कूल से ज़रा बाहर निकले, फिर कॉलेज, मार्क्स अच्छे लाने ओ लेवल्स में, ए लेवल्स में, ताकि अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन में, यूनिवर्सिटी में गए, चार साल यूनिवर्सिटी में रगड़ा लगाया, जैसे ही बाहर निकले नौकरी मिली, माने का शादी कर लो, शादी कर ली, कुछ दिनों के बाद, बरसे के बाद बच्चे पैदा हो गए. सारी जिंदगी इस लूप में से आप निकले नहीं, सारी जिंदगी नहीं निकले, कुछ वक्त अपने लिए बचा ले. बॉम्बे में एक शख्स था, बड़ा अमेजिंग आदमी था. वो रोज़ शाम को अपनी सेक्रेटरी से कहता कि अब कोई विजिटर नहीं होगा, कोई कॉल्स मत देना. वो अपना
कमरा लॉक कर देता और सेक्रेटरी से कह देता, इट इज टाइम फॉर मी टू गो एंड मीट माई सेल्फ, अब ये वक्त है जब मैं जाके अपने आप से मुलाकात करूंगा। तो पहला जो प्रोसेस है नोइंग योर सेल्फ, अपने आप से मुलाकात करें। बिलीव मी, आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा चेंज आएगा, आपकी सोच में बड़ा चेंज आएगा अगर कुछ वक्त अपनी मोबाइल फोन बंद कर दें। पहले तो सबसे पहले आज तो, अब तो मोबाइल फोन के बाद तो अब तो किसी और को जानने की भी जरूरत नहीं पड़ी ना, अब तो चार दोस्त टेबल पे बैठे खाना खा रहे हैं और चारों मोबाइल लेके खोल के बैठे, फिर फायदा क्या? मीटिंग ओवर डिनर ओवर लंच, व्हाट इज द यूज व्हेन एवरीबॉडी इज हैविंग द स्मार्टफोन और वो कुछ ना कुछ देख रहे हैं। दिस इज व्हाट इज हैपेंड। तो अब एक तो था ना, हम पहले इंसान से करीब था, अब हम इंसानों से भी दूर चले गए, अपने आप से तो हम बहुत दूर चले गए। तो अब पहले प्रोसेस के अंदर आज से शुरू की दीजिएगा, अपने बच्चों को ये चीज सिखाइए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, एक रिफ्लेक्शन की एक्सरसाइज है, एक्सीलेंट फॉर मेमोरी। वो आपको बताता हूँ ताकि आपको और आप अपने स्टूडेंट्स को बताएं जिनको याददाश्त का प्रॉब्लम है। देखें, हमारे मुल्क में एक चीज़ समझें कि नॉर्मली हमें मेमोरी प्रॉब्लम नहीं होता, जो मेमोरी का प्रॉब्लम होता है उसको डिमेंशिया कहते हैं, और डिमेंशिया की कई रीजंस होती है, उसमें एक अल्जाइमर बीमारी होती है, एक और बीमारी होती है, और वो 60 साल से पहले नहीं होती, ब्रेन एथ्रोपी वगैरह होती है। असल जो प्रॉब्लम होता है भूलने का आपको या आपके तालिब इल्म को, वो होता है स्ट्रेस से। जब स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो वो इन्फॉर्मेशन जो स्टोर्ड है उसकी फाइल भूल जाते हैं कहाँ रखी है। ये सारा फाइलिंग कैबिनेट है ब्रेन में। तो एक पैगिंग सिस्टम है, वो कभी इंटरनेट पर सर्च कीजिएगा। प्लीज़ आप अपने स्टूडेंट्स को, अपने टीचर्स को कहें पैगिंग सिखाया करें। जब कोई ऐसा सब्जेक्ट क्लास हो जिसमें उनके पास 10 मिनट एक्स्ट्रा हो तो टीच देम हाउ टू यूज पैगिंग, इनहेंस देम मेमोरी। और रिफ्लेक्शन बड़ी इंटरेस्टिंग है, रोज रात को पैगिंग, रोज रात को सोने से पहले आपने आंखें बंद करनी है, पलंग पे बैठना है और सुबह के वक्त का वक्त याद करें जब आप उठे थे। यानी आज रात को आप करेंगे तो आज सुबह आप उठे थे, उठने के बाद आपने क्या किया, नाश्ते में क्या खाया, कपड़े क्या पहने, फिर कहाँ कहाँ गए, क्या क्या हुआ, किन से मुलाकात हुई। इट इज रिकॉलिंग द इवेंट ऑफ द डे इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एज इट हैपेंड। अगर कोई चीज़ मिस हो जाए पीछे मत जाइए, बस स्किप कर लें। अलार्म रखिएगा 10 मिनट का, यू आर नॉट सपोज टू डू इट फॉर मोर देन 10 मिनट्स। नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन, द फर्स्ट फ्यू डेज आप पूरा दिन आपने अपने माइंड में रिवाइंड करके प्ले करके देख लिया और अलार्म नहीं बजेगा, एक मिनट में आप पूरा दिन गुजार लेंगे। बट डेली इफ यू डू इट, अ टाइम विल कम के जी अलार्म बज गया, 10 मिनट हो गए और अभी आप दोपहर में ही फंसे हुए। यू नो व्हाई? बिकॉज वंस यू स्टार्ट डूइंग इट यू विल बी एबल टू रिकॉल थिंग्स इन डिटेल। जैसे ही पहला शख्स मुझे रोड पे मिला, उसने शर्ट का कलर क्या था, उसका ऊपर का बटन खुला था का नहीं, ये छोटी छोटी चीजें ऐसी रिमार्केबली आप रिकलेक्ट कर सकेंगे, बिकॉज योर ब्रेन स्टोर्स एवरी इंफॉर्मेशन दैट योर आई सी, योर ईयर्स हियर, योर हैंड्स टच, योर माउथ टेस्ट एंड योर नोज स्मेल, एवरी इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन योर ब्रेन, नथिंग इज वेस्टेड। अभी मैं आप सबको देख रहा हूं, अब मेरी नजरें हर बार चंद खवातीन या चंद मर्दों पे होती है, मगर ये जो मेरे पेरिफेरल विजन है इसमें तमाम लोग आते हैं, तो मेरे ब्रेन में ये तमाम चीजें स्टोर्ड है। तो रिफ्लेक्शन से अगर मैं इसको बार बार रोज सुबह करूंगा, रात को की फिर सो गए, फिर दूसरे दिन उस दिन की तो इवेंचुअली इतनी अमेजिंग मेमोरी हो जाएगी कि फैसल साहब जब आपसे मिलेंगे तो एक लम्हे में आप देख लेंगे कि उन्होंने अपनी रिंग पहनी है कि नहीं पहनी। इतनी छोटी ऑब्जर्वेशन हो सकती है आपकी, राइट? ऑल बिकॉज यू आर गोइंग इन टू रिकलेक्टिंग द इवेंट ऑफ द डे, एंड दिस हेल्प्स टू इम्प्रूव योर मेमोरी लाइक एनीथिंग। हमने कई लोगों को बताया दे हैव डन वंडर्स, और उनका मेमोरी का जो प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, फॉरगेटफुलनेस होता है प्रॉब्लम, मेमोरी का नहीं होता, भूल जाने का प्रॉब्लम होता है, याददाश्त को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। सो यू डू दैट एंड यू विल सी अ डिफरेंस। अब मेरे ख्याल में 2 मिनट मेरे पास बाकी हैं, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहे, नहीं तो मैं एक एक्सरसाइज करा दूं ताकि आप, वैसे आप लोग में से कितने जिन्होंने मेरे पास लेक्चर्स अटेंड किए? ओए नियरली ऑल ऑफ देम। फिर चलो एक दफा फिर कराता हूं और फिर आप गलती करेंगे, जो कर चुके वो भी गलती करेंगे, ठीक है? चलें एक इंटरेस्टिंग चीज सिखा देता हूं आपको।
अपने दोनों अंगूठों के नाखूनों को देखें। अच्छा, मुंडी यानी गर्दन नहीं हिलानी, ये स्ट्रेट रहेगी, राइट। अब आहिस्ता आहिस्ता दोनों को स्प्रेड करें, मगर आंखें सेंटर में होगी और देखें कि आपका जो पेरिफेरल विजन है वो कहां तक आप दोनों अंगूठे को देख सकते हैं। उसके बाद वहां रुक जाइए, जहां तक आप देख सकते हैं उसे आगे नहीं देख सकते, वहां रुक जाइए। ठीक है, रुक गए? नहीं, लेफ्ट राइट नहीं मुड़ना, आपने सिर्फ देखना है पेरिफेरल विजन, दोनों साफ नजर आने चाहिए। आए, अब यहां रुक जाइए और अपने अंगूठों को यूं करें, ऐसे विंकल करें। ठीक है, अब आपको पता है कि यहां तक मैं देख सकता हूं, इसे आगे नहीं देख सकता। दोनों हाथ नीचे ले आइए, आंखें बंद करें, टेक अ डीप ब्रेथ, एक्सहेल, टेक अनदर डीप ब्रेथ, एंड एज यू एक्सहेल रिलैक्स, टेक वन मोर डीप ब्रेथ एंड एक्सहेल। नाउ आई वांट यू टू फोकस ऑन योर आईज, अपनी आंखों पे तवज्जो दे। इमेजिन बहुत ही कोई सॉफ्ट किस्म की नीम गरम फोम या फर आपकी आंखों पर है, बहुत ही अच्छा लग रहा है और आंखें आपकी रिलैक्स हो रही हैं। नीम गरम है ये, कोई कपड़ा है, कोई फर है, कोई फोम है, जो भी चीज आपको अच्छी लगती है वो आपकी आंखों पर, दोनों आंखों पर है। और जैसे जैसे वो आपकी आंखों पर है, आपकी आंखों को एक खास किस्म का मसाज मिल रहा है। एंड योर आईज आर गेटिंग रिलैक्स्ड, डीपली रिलैक्स, फील योर आईज रिलैक्स, और आईज के अतराफ में जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो भी रिलैक्स हो रही है। अब अपनी आंखें खोलें, वापस इसको करें और देखें कितना बड़ा डिफरेंस है। अब देखें आपको ज्यादा दूर नजर आएगा, करें। आ रहा है? ठीक है, ग्रेट। सी, सो व्हेन यू रिलैक्स योर परफॉर्मेंस इनहेंसेस, इंप्रूव्स, एंड दैट्स व्हाई ही कॉल्स अस एवरी ईयर टू रिलैक्स यू। थैंक यू वेरी मच। Before we present the conference memento, thank you, Dr. Saab. But one last thing that you always tell them, the four things, the four issues, you know, the four kinds of people. And you always tell them, because I find all those four kinds of people sitting here. So, give me a smaller chair which doesn't have much weight. Smaller chair which does not have much weight. So thank you very much for your presence. We know that you have to catch a flight to Karachi. Ladies and gentlemen, a huge round of applause for Dr. Moise. Because there are four kinds of people working at the Roots Millennium Schools. You find out which one are you. First time. Let's see, this is a problem, this is an issue, this is a challenge. And they come in front of a challenge and it's too heavy. Bahut mushkil hai. Ye to ho hi nahi sakta. So instead of trying to fight that challenge, they part somewhere else. Wo apne goals ko change kar lete hain. Wo kaha hai na, tu nahi aur sahi, aur nahi aur sahi. Salmani to Najma, Najmani to Mehmuna, koi bhi mil jaye. Magar Salma mushkil hai, uske maa baap ka haami bharna, isliye Salma ko chhod dete hain. So this is a challenge and you don't want to challenge. Pehli category logon ki hoti hai, who are buzdil, darpok hote hain, himmat nahi hoti, challenges ka samna nahi karte, and they always try to run away from facing challenges. That's the first kind of people. They sit on the problem, aur agar aap unse poochein कि आपको क्या प्रॉब्लम है, आप क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में कोई हो तो कोई एनी, तो दिस इज व्हाट दे डू। प्रॉब्लम, कोई
थर्ड कैटेगरी इस्लामाबाद में बहुत मिलेगी, और अल्लाह करे कभी आपका उनका सामना ना हो। अगर आपने गलती से उनसे पूछ लिया क्या हाल है आपके, ठीक है, they keep on telling you how miserable they are, वो कितने बदनसीब है, वो 24 घंटे रोते रहेंगे अपने प्रॉब्लम के बारे में। ऐसे लोगों से मिलेंगे तो आप जब घर आएंगे आप डिप्रेस्ड होंगे, ये तीसरी थकान महसूस करेंगे, वो बोझ होते हैं आपकी नर्वस सिस्टम के लिए। ये तीसरी कैटेगरी थी। चौथी कैटेगरी, एंड दिस इज वॉट आई थिंक रूट्स फैसल एंड द entire root organization wants you to become, fourth type of person, fourth category of people. There is an issue, there is a problem, there is a challenge, there is a situation that needs to be resolved. So don't run away, don't cry over it, don't tell he is responsible or she is responsible or somebody else is responsible. Try to solve it by trying to understand how can I reduce this problem to a minimum. For example, what if I open the arms of the chair, ये छोटी हो जाएगी, इसको मैं खोल दूं तो ये और छोटी हो जाएगी।